Morning, dear students. I hope you will be fine at your home. In this pandemic time, I will going to start some online session so that your study will be continue at home. In this video, I introduce about books and notebooks of class 4th subject mathematics. Students, आपको first of all stationery से book purchase करनी है class 4th के लिए. आपको show कर रहा हूँ मैं book, आप देखें. Books discovering mathematics. Okay, here is grade 4. Students, this is a conceptual book. इस book में students आपके chapter wise जो concept हैं और जो methods हैं with help of example illustrate किए गए हैं. बताया गया है आपको कि आपके chapters में कितने कंसेप्ट हैं. जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, लेटस रिवाइज, सेकंड फन विद नंबर्स. तो स्टूडेंट्स, इस बुक में ओनली कंसेप्ट्स एंड मेथड्स हैं. ओके, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स शो किया हुआ है. और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको वर्कशीट बुक भी प्रोवाइड होंगी इस बुक के साथ ही. आपकी ये क्लास फोर्थ के लिए पार्ट वन. स्टूडेंट्स, पार्ट वन मीन्स क्या है, मैथ को आपको, मैथ क्या होता है, मैथ जो सब्जेक्ट है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज मैथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज मैथ सेकेंड. मैथ सेकेंड्स में आपके जो एरियाज यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड जो पोर्शन होता है वो मैथ सेकेंड में होता है. आपको पता है स्टूडेंट, फर्स्ट ये स्टूडेंट्स जो पार्ट वन एंड पार्ट टू में जो आपको बुक प्रोवाइड किए गए हैं, इन बुक्स में इनको अपन एज अ वर्कशीट बोलेंगे. इसमें मेनली क्या है स्टूडेंट, जो कंसेप्चुअल बुक है उसमें आपके एक्सरसाइज जो होती हैं वो आपको नहीं दी गई हैं. एक्सरसाइज के लिए आपको एक स्पेसिफाइड स्पेस प्रोवाइड किया गया है इन वर्कशीट बुक में. ओके, एंड क्वेश्चंस हैं जो आप टॉपिक्स आप मेथड्स बुक से, कंसेप्चुअल बुक से जो आपकी उससे रीड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपको वर्कशीट में प्रोवाइड किए गए हैं विद स्पेसिफाइड स्पेस. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. स्टूडेंट्स, आप बुक्स ओपन करें और बुक ओपन करके देखें, आपकी बुक्स बुक में शो किया हुआ है प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझने की कोशिश करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है और सर ये जो आप बुक में दिया हुआ है प्लेस वैल्यू ये क्या होता है, और इसके यूज से अपन किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो आप नोटबुक में इस तरीके से ही, जिस तरीके से मैं राइट डाउन कर रहा हूँ डेफिनेशन वाइज एंड एग्जांपल के थ्रू आपको इलस्ट्रेट करूँगा, ऐसे ही आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है सेम एज इट इज़. तो टॉपिक इज़ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू पता होने से पहले स्टूडेंट आपको क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए. अब फेस वैल्यू क्या होता है, एज नेम, इसका जो नेम आपको सजेस्ट कर रहा है. फेस वैल्यू मींस आपको माइंड में स्ट्राइक हो रहा है, सर फेस मींस तो सर पता है हमें कि फेस क्या होता है, हमारा जो फेस होता है ना सर वो होता है फेस. तो स्टूडेंट सेम यही कंसेप्ट है फेस वैल्यू का. आप इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करें, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इट्सेल्फ. मींस किसी भी नंबर में किसी पर्टिक्युलर डिजिट की फेस वैल्यू इट्सेल्फ वैल्यू यानी उसकी खुद की वैल्यू ही उसकी फेस वैल्यू होती है. अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मिरर में जब आप फेस अपना देखते हैं तो आपको अपना ही फेस शो होता है. इसी तरीके से जब किसी नंबर को आप मिरर के इन फ्रंट में रखोगे तो आपको सेम वो नंबर ही आपको मिरर में शो होगा. तो इसी कंसेप्ट को यहाँ आप इम्प्लीमेंट करें, फेस वैल्यू ऑफ 5. अब आपको ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को रीड आउट करें. स्टूडेंट्स, रीड आउट किस साइड से करते हैं, बैकवर्ड साइड से. ओ, ये जीरो आपका कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, दैट्स मीन्स नंबर इज 2590. अब आपसे पूछा गया है कि 2590 जो नंबर है इसमें 5 जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू क्या है. तो आप क्या बोल, आप किस तरीके से बताएंगे, आप बोलेंगे सर अब इस 5 डिजिट को उठाओ और इसको मिरर के इन फ्रंट, मिरर के सामने रखो, आपको मिरर में 5 ही शो होगा. दैट्स मींस 5 डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी, सेम इट्स सेल्फ वैल्यू, दैट इज 5. फेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 2590 इज 5.
ओके स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू आपको क्लियर हुआ कि फेस वैल्यू तो क्या होता है, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू इटसेल्फ वैल्यू होती है. ओके, सेकंड इज प्लेस वैल्यू. स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू समझने के लिए कि प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में पर्टिकुलर आपको डिजिट मार्क किया होगा या सर्किल किया होगा, उसको बोला जाएगा कि इस डिजिट की आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें. तो स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू समझने से पहले आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसको रिमेंबर रखना है. ओके, दैट्स नोन एज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. आप देखें चार्ट में शो किया हुआ है. जो इस चार्ट में स्टूडेंट्स, मैंने जो लास्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख, दैट्स मीन्स ये सीक्वेंस. अब आप बोलेंगे सर आप बैकवर्ड सिंक्योरी डाउट कर रहे हो. स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो अपन बैकवर्ड से ही परफॉर्म करते हैं. तो सीधी सी बात है, आपको नंबर को रीड आउट करना है तो आपको बैकवर्ड से करना पड़ेगा. और बैकवर्ड का जो मोस्ट डिजिट है, लास्ट मोस्ट डिजिट, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, वंस. और इसका जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है आपका, ओ. तो इससे डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. टेंस का फर्स्ट लेटर टी है तो टी से डिनोट किया. हंड्रेड का फर्स्ट लेटर एच है तो एच से डिनोट किया. अब क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लेस वैल्यू, इसका नेम सजेस्ट कर रहा है प्लेस. प्लेस मीन्स आप बोलोगे सर किसी भी डिजिट का प्लेस बता रहा है, यानी कि उसकी पोजिशन को इंडिकेट कर रहा है. तो दैट्स मीन्स जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, वंस प्लेस पर ऑक्यूपाई होगा. और उसके जस्ट सेकेंड टेंस प्लेस पर, हंड्रेड प्लेस पर, थाउजेंड प्लेस पर, टेन थाउजेंड और सो लेक एंड करोड़. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो प्लेस होते हैं ना, इनका एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे वंस प्लेस पर अगर डिजिट है तो उसकी प्लेस वैल्यू वन होगी. ओके, टेंस प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू टेन होगी. और हंड्रेड प्लेस पर है तो उसकी हंड्रेड, सो ऑन कंटिन्यू. अब आप बोलोगे सर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें, तब हमारे माइंड में क्लियरिटी होगी. ओके, तो आप प्लेस वैल्यू का मैंने यहां पर एक फॉर्मूले में इसको यहाँ पर फॉर्मूले में रिटर्न किया है ताकि फॉर्मूले से इजीली आप समझ सकें. प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई. मींस आपको पहले तो किसी डिजिट की अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसकी पहले फेस वैल्यू लिखें और उसको मल्टीप्लाई करें कि वो डिजिट कौन सी पोजीशन पर ऑक्यूपाई कर रहा है. अगर वो डिजिट वंस प्लेस पर है तो वन से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर वो डिजिट आपका टेंस प्लेस पे है तो आपको टेन से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर वो डिजिट आपका हंड्रेड प्लेस पे है तो आपको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें. ओके स्टूडेंट्स, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ कर अपने माइंड में क्लियरिटी बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन नंबर वन, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर. मैंने यहां नंबर शो किए हुए हैं ए बी सी डी. अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इसमें जो अंडरलाइन डिजिट है इनकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करके बताऊंगा, जिससे कि आपको अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको डिलीवर किया है वो कैसे क्वेश्चंस पर इंप्लीमेंट होगा आपको पता चलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज 289, इसको ऐसे नहीं बोलते 289, इसको रीड आउट करते हैं किस साइड से, वंस प्लेस की साइड से, मीन्स बैकवर्ड साइड से रीड आउट करते हैं. तो वंस टेंस हंड्रेड, दैट इज 289. आपको 289 नंबर दिया हुआ है, उसमें 9 डिजिट की आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने जिस पोजीशन पर जो जो डिजिट ऑक्यूपाई कर रहा है, 9 आपका वंस प्लेस पर है, 8 आपका टेंस प्लेस पर है और 2 आपका 100 प्लस पर है, मैंने मार्क कर दिया है. ओके, फेस वैल्यू ऑफ 9 जो है आप उसको फेस वैल्यू निकालनी. तो आपको पता है फेस वैल्यू में तो सर कुछ नहीं होता, जो इनसा डिजिट है उस डिजिट को आप मिरर के सामने रखें, आपको पता चलेगा मिरर में तो वही डिजिट जो मिरर के सामने रखते हैं वही शो होता है मिरर में, तो उसी की इमेज बनती है. तो 9 आपको शो होगा, दैट इज 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी. अब बात आती है प्लेस वैल्यू ऑफ 9. अब आपको उसी डिजिट की सेम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो प्लेस वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जस्ट आपको एक फॉर्मूला इलुस्ट्रेट किया था, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई. दैट्स मींस आप बोलेंगे हाँ सर आपने बोला था फेस वैल्यू तो 9 की 9 है, मल्टीप्लाई बाय 1. सर आपने 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है ये बताओ. स्टूडेंट 1 क्या है, आप देखें 9 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है आपकी, वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 9. तो क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा ना, तो
फेस वैल्यू तो 9 होगी और वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई दैट्स मीन्स 1, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 9 मीन्स प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड बी पोर्शन है, आप नंबर देखिए 473, दैट इज आप बोलेंगे नहीं सर इसको 473 नहीं बोलते सर, इसको रीड आउट करते हैं बैकवर्ड से, 1100 दैट इज 473। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बोला गया इसमें 7 जो नंबर है उसको क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, 7 नंबर को मार्क किया हुआ है और बोला गया है कि 7 जो नंबर है उसकी आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें आप, फेस वैल्यू ऑफ अ 7 की फेस वैल्यू, अब आप बोलेंगे 7 डिजिट को मिरर के इन फ्रंट पे रखेंगे, वो तो सेम शो होगा सर मिरर में एज अ इमेज की शो, तो आपको पता चलेगा 7 का तो सर फेस वैल्यू 7 ही होगी, तो आप एकदम स्टेटमेंट में आप इसी वे में प्रॉपर वे में राइट डाउन करेंगे फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। सेकंड इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप बोलेंगे सर 7 तो सर समझ में आया आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो आपने फॉर्मूला इलुस्ट्रेट किया है कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई, आपने ये फॉर्मूला आपने रिटर्न किया है सर, दैट इज आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की फाइंड आउट करनी थी, तो 7 तो आपने लिख दिया इसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस ऑक्यूपाई वैल्यू ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई 10। अब आपने 10 क्यों लिया है सर, वैल्यू ऑक्यूपाई 10 कैसे कर रहा है ये, तो मैं बोलूंगा आप देखें स्टूडेंट 7 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, दैट्स मीन्स आप प्लेस वैल्यू चार्ट में देखें जो 10 से उसकी प्लेस वैल्यू 10 है, दैट इज मल्टीप्लाई किससे करना होगा आपको 10 से। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से नंबर के आप पर्टिकुलर वंस टेंस हंड्रेड आपको कोई सा भी नंबर दे उस पर मार्क करें आप क्या कर सकते हो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट को ये जो सी एंड डी है इसको आपको एज अ एच डब्ल्यू वर्क करना है, इसी तरीके से आप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज हो और ये आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। स्टूडेंट्स जैसा नेम होता है उसी तरीके से अपन उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सपेंड मींस आपको समझ में आ गया सर, नंबर को ओपन करना है, एक्सपेंड मतलब किसी चीज को एक्सपेंड करना है ना कि खींचना उसको, तो इसी तरीके से आपको नंबर को क्या करना होगा, ओपन करना होगा विद हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। आपको इसीलिए मैंने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर करा, उसी प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को आप एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर में आप क्या करेंगे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इजीली विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इज राइट 786। अब आप बोलोगे सर इसको ऐसे रीड आउट नहीं करते सर, 1100 दैट इज 786 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी ये 786 जो नंबर है इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट डाउन करना है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें मार्क करेंगे कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पर ऑक्यूपाई कर रहा है, 6 इज 1 प्लेस पर, 8 इज 10 प्लेस पर और 7 इज 100 प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, अब आप बोलेंगे 1 प्लेस पर जो 6 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपके माइंड में तुरंत क्या होगा जो मैंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है वो आपके माइंड में स्ट्राइक होगा, आप बोलोगे फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस ऑक्यूपाई, जितना चार्ट में प्लेस ऑक्यूपाई हो रहा है ना वही उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप फेस वैल्यू तो आपको समझ आ गया 6 से। अब आप देखें 6 कौन से प्लेस पर है, तो आप बोलोगे 1 पे, दैट्स मींस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 6 सेम एज इट इज। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, अब आप बोलोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 को चेक करोगे, 8 आपका 10th प्लेस पर है, मींस आपको उसकी फेस वैल्यू तो 8 होगी ही होगी 100%, सेम एज इट इज होती है, इट सेल्फ वैल्यू ही फेस वैल्यू होती है डिजिट की, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 क्या है आपका 10th प्लेस पर है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 80 सेम एज इट इज। आप 7 की निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 पर, क्यों, क्योंकि 7 क्या हो रहा है 100 प्लेस पर ऑक्यूपाई हो रहा है। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 700। अब आपको पता चल गया आपने बोला कि इस नंबर 786 का में जो 3 डिजिट है 7, 8 और 6, इन तीनों की आपने पर्टिकुलर डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करी। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर 786 इसमें कुछ नहीं है, जो आपने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करी है उन्हीं प्लेस वैल्यू को प्लस साइन मर्ज कर रिटर्न करना ही एक्सपेंडेड फॉर्म होता है स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल। लाइक एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 786 इज 786 इक्वल्स टू 700, तो आप बोलोगे 700 समझ में आ गया, यानी कि 7 की प्लेस वैल्यू रिटर्न करना है अपन को, 700 प्लस 8 आपका 10th प्लेस
पर था और 80 उसका क्या था, प्लेस वैल्यू है, तो प्लस 80 प्लस 6, इसी सीक्वेंस को आपको राइट डाउन कर देना है प्लस साइन मर्ज कर कर। अब आप बोलोगे प्लस साइन क्यों मर्ज करते हैं स्टूडेंट, आप इसको दोबारा कॉलम वाइज अरेंज कर कर प्लस करोगे तो आपका आंसर 786 आ जाएगा और आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसी सेम वे में कुछ मैं नंबर्स देता हूँ एज अ HW वर्क जिसको आपको सॉल्व करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये थ्री नंबर्स हैं ए बी सी, फर्स्ट इज 3, 4, 6। आप बोलेंगे सर ऐसे राइट डाउन नहीं करते, इसको रीड आउट कैसे करते हैं सर, 1s 10s 100 दैट इज 346 एंड सेकंड नंबर इज 748 एंड थर्ड नंबर इज 849। इनको स्टूडेंट्स आप SW एज अ होमवर्क आप सॉल्व करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें, देन उसके बाद प्लस साइन मर्ज कर एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स एंड लेट्स बिगिन अनदर सेशन फॉर क्लास 4th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Students, now today we are going to understand about topic predecessor and successor. Students, आज का जो अपना topic है वो predecessor and successor, ये आपका first topic है. Students, what is the meaning of predecessor? Predecessor, आप definition को read out करें. A predecessor of a number is the number that comes just before it. That's mean student, predecessor एक ऐसा number होता है जो किसी number के पहले आता है। Before means क्या होता है students, पहले। Like आपको पूछा जाएगा 5 का predecessor बताएं, what is a predecessor of number 5? तो आपको mind में स्ट्राइक होगा सर ने डेफिनेशन ये बताई थी कि किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर उससे जस्ट बिफोर पहले वाला नंबर उसका प्रीडिसेसर होता है, दैट्स मींस 4 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ नंबर 5। दैट इज ओके स्टूडेंट्स, लाइक एन एग्जांपल प्रीडिसेसर ऑफ 7 इज 7-1=6। आप बोलेंगे सर यहां तो आपने माइनस 1 करा है सर, और आप क्या बोल रहे हो बिफोर नंबर होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है बिफोर के लिए आपको क्या करना होता है, प्रीवियस नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 माइनस करना होगा। ओके 7 में से जब आप 1 माइनस करेंगे 7-1=6, दैट्स मीन्स 7 जो नंबर है उसका प्रीडिसेसर क्या होगा आपका 6 होगा। ओके सेम एज इट इज अगर आपसे पूछा जाए प्रीडिसेसर of 9 is, तो आप बोलोगे 9-1=8, that is okay students, predecessor का concept it is very easy। और आप इसके name से देखें students, name से suggest होता है predecessor, that means previous value, pre देखो आप आगे इसमें written में इस word में जो front में लिखा हुआ pre means previous digit, that means अगर आपको 7 का predecessor पूछा है तो previous 7 से जो previous digit है वो आपका minus 1 करेंगे तो आपको पता मिल जाएगा और आपका 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी number का previous just previous digit that means predecessor find out करने के लिए उसको subtract करेंगे by 1। okay next is successor, a number 21, आप इसकी definition read out करें, a successor of a number is the number that comes just after it, यानी किसी भी number का अगर आपको successor find out करना है student, तो आपको क्या find out करना होगा उसके just comes यानी कि उसके आगे वाला just उसके forward में आपको क्या करना पड़ेगा, जो number find out होगा वो ही उस number का successor होगा। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, इसको clear करें आप with the help of example, तो आप example देखें students, successor of 7 is 7+1 that is 8। आपको पता चला कि सर आफ्टर आपको डेफिनेशन में क्या शो हुआ है स्टूडेंट्स, अ सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर इट, आफ्टर इट, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, दैट मीन्स 7 के जस्ट बाद में क्या आता है 8 आता है, तो आपको सक्सेसर ऑफ 7 इज 8 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स प्रॉपर वे होता है किसी भी नंबर से आगे जाने का और प्रीवियस पीछे जाने का, तो आगे जाने के लिए आप क्या करोगे सक्सेसर के लिए आपको प्लस 1 करना होगा किसी भी नंबर का, अगर आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो उसमें प्लस 1 करें, 7 का सक्सेसर फाइंड आउट करना था 7+1=8, सेम एज इट इज सक्सेसर ऑफ 9 इज 9+1=10। आई होप स्टूडेंट्स आपको सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, नाउ स्टूडेंट्स आपको सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। आपको यहां पर प्रैक्टिस जोन दिया हुआ है, प्रैक्टिस जोन 3 पेज नंबर 10, बुक आपकी मैथमेटिक्स है।
ओके, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बुक है क्लास फोर्थ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 6794। अब आपको पता है सर सक्सेसर किस पोजीशन पर लाई करेगा, उससे आगे आएगा सर, उसमें प्लस वन करना होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6794 के बाद 94 में अगर प्लस वन करते हैं तो आपका कितना आता है स्टूडेंट्स 6795। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 95। एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ प्रीवियस साइड्स में एक ब्लैंक दिया हुआ है वहां पर इंसर्ट क्या होगा, वहां पर प्रीडिसेसर आएगा ऑफ 6794 नंबर का। तो आपको प्रीडिसेसर के लिए आपको पता है माइनस वन करना होता है सर, तो प्रीडिसेसर क्या होगा 6793। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी में, डी में एंड सी में आपको नंबर दिए हैं, उन नंबर्स के आपको सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर फाइंड आउट करने हैं। दिस इज योर HW वर्क, आपको इस वर्क को ओनली बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स क्लियर, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ नंबर आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन मीन्स सर किसी ना किसी चीज में आपस में कंपैरिजन करना है सर। कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों में होता है स्टूडेंट्स, अगर आपका फ्रेंड है और आपका फ्रेंड है और आप उससे कंपेयर करते हो तो आप और आपका फ्रेंड कोई भी दो पर्सन हुए ना उनके बिटवीन ही कंपेयर हुआ ना स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यही सेम वे आपका मैथमेटिक्स में नंबर्स के लिए पुट होता है। जब अपन क्या करते हैं किन्हीं भी दो नंबर को, एनी टू नंबर्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर, जब आप किसी भी दो नंबर को कंपेयर करते हो एक दूसरे से कि कौन सा नंबर क्या है बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है छोटा है, मीन्स कौन सा नंबर आपका विच नंबर आर ग्रेटर देन एंड विच नंबर आर लेसर, लेसर का मीन्स क्या होता है स्मॉलर देन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कंपेरिजन ऑफ अ नंबर, नंबर के कंपेरिजन के लिए आपको थ्री टाइप्स ऑफ सिंबल्स आप यूज लेते हो, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकेंड इज लेस देन एंड थर्ड इज इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको इलुस्ट्रेट करें और नंबर्स के बिटवीन जो कंपेरिजन है उस सिंबल्स को पुट करके आप शो करें। स्टूडेंट्स आप टेक अ लुक, ग्रेटर देन फर्स्ट सिंबल होता है आपका ग्रेटर देन, सेकेंड स्मॉलर देन एंड थर्ड इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इलुस्ट्रेट कर रहा हूँ। कंपेयर सेवन, आपको ये नंबर शो हो रहा है स्टूडेंट 741, इसको रीड आउट कैसे करते हैं आप, रीड आउट करें वंस टेंस हंड्रेड दैट्स मीन 741 एंड सेम एज इट इज 352, आपको कंपेयर करना है इनके बिटवीन तो आपको पता चलेगा सर 741 सर बड़ा डिजिट है बिग डिजिट है, दैट्स मीन्स आप क्या बोलोगे 741 ग्रेटर देन 352। लेकिन स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने अभी जो बोला वो तो आपने इंग्लिश में लाइक अ सेंटेंस में बोल दिया 741 इज ग्रेटर देन 352, लेकिन मैथमेटिक्स में किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने का ये प्रॉपर वे होता है स्टूडेंट्स 741 दैट्स मीन्स ये नंबर बड़ा है, तो इसकी तरफ आप क्या करेंगे ये ओपन माउथ करके ये साइन इंसर्ट करेंगे, यह क्या होता है ग्रेटर देन साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि 741 ग्रेटर देन 352, और आप जिस साइड पर इसका माउथ ओपन करेंगे दैट्स मीन्स वो डिजिट क्या है ज़्यादा हंग्री है, यानी कि बड़ा डिजिट है, अगर कोई बड़ा डिजिट होता है बड़ा पर्सन होता है वो ज़्यादा खाना खाता है, इस तरीके से आप इमेजिन करें कि बड़ा डिजिट है दैट्स मीन्स इसकी तरफ माउथ क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, दैट्स मीन स्टूडेंट्स अब आप बोलेंगे सर छोटा डिजिट जो होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा एरो बन जाएगा, यानी कि उसकी तरफ ये आप देखें एरो टाइप साइन रहेगा। ओके क्लियर हो चुका है आपको, इसको अनदर एग्जांपल पर पुट करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल इज 542 एंड 575, अब आपको पता चला सर 575 बड़ा है सर, तो उस साइड आप क्या करेंगे माउथ ओपन करेंगे एंड जो इसका ये कॉर्नर वाला साइड है ये आप क्या करेंगे स्मॉलर डिजिट की तरफ रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। आप इसको सेकंड वे में क्या बोल सकते हो, इसको आप बोलोगे किस तरीके से सेंटेंस के वे में, आप बोलोगे 575 इज ग्रेटर देन 542 दैट्स मीन्स जो 575 डिजिट है वो 542 से बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको अनदर वे में आप बोलना चाहेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे 542 लेस देन 575 एंड 542 स्मॉलर देन 575 दैट्स मींस 542 छोटा है 575 से। ओके स्टूडेंट्स बोथ केस आपको क्लियर हो गए स्टूडेंट्स, लास्ट इज इक्वल टू केस है, इक्वल टू आपको पता है जब दोनों नंबर आपके बराबर हैं इक्वल टू हैं दैट्स मींस 757
757. आपको पता है LHS एंड RHS दोनों साइड्स में जब नंबर दे रखे हैं वो दोनों सेम क्वांटिटी सेम इक्वल हैं, दैट्स मींस उनके बिटवीन क्या होगा, इक्वल साइन मर्ज हो जाएगा. इक्वल मींस क्या होता है स्टूडेंट, ये शेडेड जो लाइन होती है इसको मैथमेटिक्स में इक्वल टू बोलते हैं, एंड अनदर वे इसको इक्वल्स टू भी बोला जाता है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है तो आपको इस पर प्रैक्टिस इंक्रीज करनी हो. प्रैक्टिस इंक्रीज किस तरीके से होती है, जब आप सेल्फ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आपको मैंने यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आप इनको क्या करें, कंप्लीट करें. दिस इज योर HW वर्क. ओके, फर्स्ट HW एंड HW, ये फोर जो क्वेश्चन हैं इनको आपको क्या करना है, इनके जो फिलअप्स हैं, ब्लैंक्स हैं, उनको फिलअप करना है स्टूडेंट्स. ओके, विद हेल्प ऑफ थ्री सिंबल्स. फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकेंड इज लेस देन, एंड इक्वल्स टू. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया है कंपेरिजन ऑफ नंबर का जो कंसेप्ट है, अब क्लियर हो गया तो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस जोन फोर. ओके, पेज नंबर 11, इसमें आपको स्टूडेंट फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट साइन. आपको क्या करना है, जितने भी ब्लैंक्स हैं सभी को फिल करना है स्टूडेंट्स विद हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट साइन. एप्रोप्रिएट साइंस का मतलब कौन कौन से साइन आपको यहाँ दिए गए हैं, आपको यहाँ देखें स्मॉल जो ब्रैकेट है इसमें आपको थ्री साइन इंसर्ट किया हुआ है. फर्स्ट इज ग्रेटर देन, लेस देन, एंड इक्वल्स टू. आपको जो ब्लैंक्स हैं इन इस ब्लैंक्स में इन थ्री साइंस का यूज करते हुए आपको बताना है कि विच वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर एंड विच वन नंबर लेसर देन अदर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स असेंडिंग मीन्स क्या होता है, इंक्रीजिंग, असेंडिंग. आप बोलेंगे सर ये कैसे, सर दो वर्ड आपने यूज लिए हैं, सर आप कंफ्यूज कर रहे हो हमें. तो स्टूडेंट्स मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर सेम एज इट इज सेम बात है. इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना. आप भी अपनी क्लासेस में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो बढ़ते हो, पहले आप थर्ड क्लास में थे, फिर आप क्या हुआ फोर्थ क्लास, फिर फाइव क्लास, फिर सिक्स क्लास, इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, दैट्स नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. ओके, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है सर, जब अपन डिक्रीजिंग आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन रन करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अपना मूवमेंट होता है, लाइक आप 10th क्लास में और 10th से आप 9th में और आप फिर 8th में, इस तरीके से जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है दैट्स नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स अभी आपको मैं एक फ्लो चार्ट से इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूंगा और आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को अरेंज किया जाता है. स्टूडेंट्स टेक अ लुक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स जो इंक्रीजिंग है वही वर्ड, उसी वर्ड को आप असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं. मैथमेटिक्स में असेंडिंग ऑर्डर यूज लिया जाता है वर्ड. ओके, सेम वे है, दोनों का मीनिंग सेम होता है स्टूडेंट्स. इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ता हुआ, असेंडिंग मीन्स बढ़ता हुआ, एंड डिक्रीजिंग मीन्स घटता हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट्स आल्सो नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर हुआ वर्ड्स का मीनिंग, क्लियर हुआ आपको. अब आप यहाँ फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें और अपने माइंड में क्लियरिटी बनाएं कि किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होता है, स्मॉलर नंबर आता है, दैट इज वन, एंड फिर उससे बड़ा टू, एंड फिर मोर देन थ्री, एंड लार्जर नंबर फोर. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके का जो फ्लो चलता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा. एंड इसके जस्ट अपोजिट, दैट्स मीन्स फर्स्ट में आपका लार्जर नंबर, देन उसके बाद स्मॉलर, फिर देन मोर स्मॉलर, एंड देन मिनिमम, बिल्कुल एकदम छोटा नंबर लास्ट में. इस तरीके का जो ऑर्डर है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स. इनको आप विद हेल्प ऑफ कंपेरिजन साइन, आपको स्टूडेंट्स नंबर को जब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको कंपेरिजन साइन को मर्ज करना होगा. इसी वजह से मैंने आपको कंपेरिजन साइन ऑफ नंबर को पहले इलुस्ट्रेट किया है. ओके स्टूडेंट, किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, वन. अब आप बोलेंगे वन, वन से बड़ा कौन सा होता है, नंबर टू. दैट मीन्स आपने साइन मर्ज किया है ग्रेटर देन का. वहां आप देखें इसका जो माउथ है वो ओपन किस साइड है, टू साइड, क्योंकि वन से टू बड़ा है. ओके, ऐसे आप टू और थ्री में कंपैरिजन करेंगे तो आप बोलेंगे थ्री सर लार्जर नंबर है, दैट्स मींस आप माउथ किस साइड ओपन करेंगे, थ्री साइड. एंड थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे माउथ किस साइड ओपन करना होगा, फोर साइड. ओके स्टूडेंट, सेम वे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है कि सर पहले फोर, थ्री, टू, वन, इस तरीके से. अब साइन मर्ज करना है, साइन सर हमको मर्ज करना आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर एंड थ्री में कंपेयर करेंगे और फोर बड़ा है तो फोर के साइड हम माउथ क्या करेंगे, ओपन करेंगे. थ्री और टू को कंपेयर किया सर, उसमें थ्री बड़ा है, थ्री की साइड आपने माउथ ओपन करा और फोर की साइड आपने एरो बना दिया. ओके, एंड यहाँ टू और वन है, इसमें कंपेयर किया तो टू की साइड आपको क्या करा, माउथ ओपन करके साइन इंसर्ट करा. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया है.
अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ताकि आप भी इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ क्वेश्चन से मैंने आया राइट डाउन किया हुआ है उनको। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए 925, सेकेंड नंबर इज 543, सेकेंड थर्ड नंबर इज 792 एंड फोर्थ नंबर इज 226। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट नंबर इज 457। स्टूडेंट्स नंबर को आपको क्या करना है, आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ ऑर्डर्स में आपको अरेंज करना है नंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर सर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। आपको पता है ये तो प्रॉपर काउंटिंग तो आपको नोन है। स्टूडेंट्स आपको पता चला 226, इस तरीके से मैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो आपने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपको साइन इंसर्ट करना आना चाहिए। साइन सिंबल कौन सा इंसर्ट होगा बिटवीन टू नंबर्स, तो आप देखें 226 एंड 457। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ओके, टू नंबर्स को, और आपको पता चला 457 बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, तो इस साइड आपने क्या कर दिया, जो छोटा नंबर होता है उस साइड तो आपका ये एरो साइन आ जाता है, और आपका जो बड़ा नंबर होता है उसको ज्यादा हंगरी होता है बड़ा नंबर, तो आप क्या करेंगे उस साइड माउथ ओपन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अनादर जो नंबर है, फिर आपने क्या करा 457 एंड 543 इसको कंपेयर किया, और आपको पता चला 543 आपका क्या है, लार्जर नंबर है, तो आपने इस साइड माउथ ओपन कर दिया। फिर ऐसे सो ऑन स्टूडेंट्स, जितने नंबर आपको दिए जाते हैं उस तरीके से आप टू टू का पेयर बनाते हुए कंपेयर करते हुए साइन को इंसर्ट करते चले। ओके, इस तरीके से आप प्रॉपर वे में असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ कंपैरिजन साइन सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर को स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर को आप अरेंज कर देंगे। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, लार्जर डिजिट जो होता है वो क्या आता है, फर्स्ट में आता है, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हुए लास्ट में क्या होता है, स्मॉलर डिजिट आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप HW में ये क्वेश्चन नंबर बी मैंने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको इस एग्जांपल में अरेंज कर शो करके बताया हुआ है। स्टूडेंट्स ओके, क्लियर होगा आपको ये कंसेप्ट। स्टूडेंट्स आपको बुक ओपन करना है, और बुक में आपको जो प्रैक्टिस जोन 5 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस जोन 5 को आपको कंप्लीट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेबल द फॉलोइंग कोचेस ऑफ द ट्रेन्स विद द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ट्रेन है, ट्रेन के आपको कोच दिए हुए हैं, और कोच में आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है। दैट्स मीन सबसे जो स्मॉलर नंबर है वो यहाँ पर प्लेस होगा, उसके बाद जस्ट उससे बिग, फिर उससे बिगर, फिर देन बिगेस्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको। इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड जो आपको ये फिलअप्स हैं, जो आपके कोचेस के ये फिलअप्स शो कर रखे हैं, आपको इस बुक में ही आपको नंबर्स को इंसर्ट करना है प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज इट इज, लेबल द फॉलोइंग कोचेस ऑफ द ट्रेन्स विद द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पर आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, कोचेस जो आपको दिए हुए ब्लैंक यहां पर आपको लेबल करना है। लेबलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको ये नंबर है ये आपको उठाकर यहां पर पुट करने प्रॉपर वे में, और किस ऑर्डर में, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट्स मीन्स सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो यहां पर प्लेस होगा, उससे जस्ट थोड़ा स्मॉलर यहां पर, फिर देन उससे भी स्मॉलर, एंड देन बिल्कुल सबसे जो ऑल स्मॉलर नंबर है फोर नंबर्स में से, उसको आप लास्ट में प्लेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको। प्रैक्टिस जोन जो 5 है स्टूडेंट्स, इसको आपको फिलअप कर लेना है पूरी तरीके से, और ये बुक में ही करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, आपको आज मैंने असाइंड प्रीडिसेसर, सक्सेसर, कंपैरिजन ऑफ सिंबल एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स मीन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ नंबर, ये 3 कंसेप्ट को इलुस्ट्रेट किया है स्टूडेंट्स। आप बुक ओपन करें, और बुक ओपन कर जो प्रैक्टिस जोन्स हैं उनको आप फिलअप करें, एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको SW दिए हैं उनको क्लियरिटी से सॉल्व करें, और अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।